छतरपुर के महोवा रोड पर स्थित विंध्यवासिनी तलैया में साफ सफाई को लेकर संत समाज और समाज से भी एकजुट होकर अब नगर पालिका के साथ तालाबों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, साथ ही मैदान में उतर आए हैं। छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र में कई तालाब हैं, लेकिन इन तालाबों में गंदगी के कारण स्थिति बदतर बनी हुई है। शहर के ज़्यादातर तालाबों में बेतहाशा गंदगी है। ये तस्वीरें शहर के विंध्यवासिनी तलैया की हैं। महुआ रोड पर स्थित इस तलैया में गंदगी का ये आलम है कि यहाँ से गुजरने पर पानी बदबू देने लगा है। इसकी साफ सफाई को लेकर संत समाज और समाज सेवियों ने अब एकजुट होकर नगर पालिका से सफाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये तलैया वर्षों से साफ नहीं हुई, जलकुंभी और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्षद प्रतिनिधि विवेक बिट्टू चौरसिया और महंत श्रृंगारी महाराज ने इस मौके पर क्या अपील की वो सुनिए। मैं आपको सभी पार्षदों की ओर से एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र बैठक करके और तालाबों को संरक्षित करने का और इन जल संरचनाओं का बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा संत समाज को, जानडा टोरिया के महंत महाराज को, पप्पू भैया वगैरह सभी समाज सेवियों को कि उन्होंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया और शहर की इस दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नगर पालिका को ये काम करना पड़ेगा। पहले इसके आसपास जो सीवेज लाइनें हैं उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा और इसको सबसे अच्छे सुंदर तालाबों में हम लोगों के कार्यकाल में ही बनाया जाएगा, ये विश्वास दिलाते हैं हम। ये जब छतरपुर शहर का नामोनिशान नहीं था तब ये जान राय टोरिया सिद्ध महात्मा परमानंद जी द्वारा विकसित की गई थी और उन्होंने 1601 में ये तलैया का खुदवाया था, जो कि पत्थर भी लगा है। हमने नगर पालिका को जब चेयरमैन थे सरदार प्यारा सिंह तब उनको पूरे कागज़ दिखाए थे, तो उन्होंने इसका काफ़ी काम कराया था, पत्थर भी वहाँ लगवा दिया था। लेकिन उसके बाद नगर पालिका प्रशासन हमारे आवाज़ को दबा देते थे। कागज़ों में भले काम दिखाते रहे होंगे लेकिन मौके पे 15-16 साल से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो सबसे छोटा तालाब है, छतरपुर तालाबों से जाना जाता है लेकिन छतरपुर में सबसे छोटा तालाब है ये, जिसको विंध्यवासिनी तलैया भी बोलते हैं, जिसको परमानंद की तलैया बोलते हैं, कोई इसको टोरिया तलैया बोलते हैं। और सबसे बुरी दशा है, और कब से है, जब से ये अतिक्रमण हुआ है। ये मकान जो बने हुए हैं इन्होंने अपना डायरेक्ट पाइप लगा करके लेटरिन बाथरूम तालाब में छोड़ देते हैं। नगर पालिका से आग्रह किया तो नगर पालिका पहाड़ी में यानी जो मकान बने हैं वहाँ से नाली बना करके उन्होंने भी नगर पालिका वालों ने भी इसी में छोड़ दिया। यानी नगर पालिका द्वारा ये शुद्ध परमानंद की तलैया नरक कुंड बना दी गई है आज।